तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मंगलवार को देश भिलाई के नए कैंपस का राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि भिलाई में बने इस नए आईआईटी भवन का पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन कर जम्मू कश्मीर से किया और कैंपस में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भिलाई में 350 एकड़ में बने आईआईटी परिसर को राष्ट्र के नाम समर्पित कर छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात दी है। करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से बने इस कैंपस का पीएम मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। भिलाई में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी प्रमुख उपस्थित रहे। आईआईटी कैंपस पूरी तरह इको फ्रेंडली है, जहां आधुनिक क्लासरूम, हॉस्टल, लैब, सभागार और लाइब्रेरी जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस कैंपस को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस कैंपस को जिसकी नींव उन्होंने 2018 जून में रखी थी, आज उस प्रयास सिद्धि तक पहुंचा है और इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। नया कैंपस है, नई सुविधाओं के साथ आया है। जैसा अभी मैं बता भी रहा था कि पुरानी आईआईटी जो इस्टेब्लिश्ड आईआईटीज हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। डाटा साइंस और एआई को हम हेल्थ में, एग्री में और फिनटेक, तो फिनटेक, हेल्थटेक एंड एग्रीटेक, इन तीनों में ले आए, जो अपने आप में हमारी आईआईटी के लिए एक नई बात है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र होने की परिकल्पना पूर्ण करने में भिलाई आईआईटी का भी अहम योगदान होगा। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात है। प्रधानमंत्री जी ने 32,000 करोड़ से ज्यादा का सौगात दिया है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी सौभाग्यशाली है कि आज उन्होंने आईआईटी भिलाई जो राष्ट्र को समर्पित किया है, इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ उनका बहुत आभारी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अब आईआईटी भिलाई राष्ट्र को समर्पित होने के बाद यहाँ जो भी हमारे बच्चे हैं, जो यहाँ पर अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, शोध का कार्य कर रहे हैं, उनको एक अच्छा परिसर मिला है, तो निश्चित रूप से उनको पढ़ाई में भी और उत्साह आएगा। इस कैंपस में, आईआईटी में न जाने कितने प्रदेशों के लोग आज लड़के आकर पढ़ रहे हैं और आगे चलकर इसमें और इजाफा होगा। माननीय विष्णुदेव साय जी यहाँ हमारे बीच आकर इस लोकार्पण अवसर में वो सहभागी बने, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान आईआईटी को आज भव्य और आधुनिकतम परिसर मिल गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब पढ़ाई का माहौल और बेहतर होगा, साथ ही देश दुनिया में यह संस्थान एक अलग पहचान बनाएगा। दुर्ग से INS 24/7 के लिए आनंद ओझा की रिपोर्ट।